प्रो कबड्डी सीजन 8 में कुल यहाँ पे 44 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज सुपर संडे, एंड आज के दिन भी टोटल दो ब्लॉकबस्टर मैचेस खेले गए थे। जो पहला मैच वहाँ पे बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पुनेडी पल्टन के बीच में खेला गया था, एंड जो मैच है वो यहाँ पे पुनेडी पल्टन की टीम जीत गई। सेकेंड मैच बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी ओता के बीच में खेला गया था, एंड जो मैच है वो यहाँ पे यूपी ओता की टीम जीत चुकी है। टोटल 44 मैचेस कंप्लीट होने के बाद प्रो कबड्डी सीजन 8 के नए कांस्टेबल में कौन सी टीम कौन से पोजीशंस पे, प्रो कबड्डी सीजन 8 का लेटेस्ट कांस्टेबल मैं आपको इस वे बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सब बात करते हैं 12वें पोजीशन की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 12वें पोजीशन पे है तेलुगु टाइटंस की टीम। जहाँ दोस्तों तेलुगु टाइटंस की टीम ने कुल यहाँ पे 7 मैचेस खेले, इन 7 मैच में से एक भी मैच नहीं जीती है, 5 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है, एंड 10 पॉइंट के साथ तेलुगु टाइटंस की टीम 12वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 11वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 11वें स्थान पे है गुजरात जायंट्स की टीम। जहाँ दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम ने कुल यहाँ पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैचेस में से एक मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है, एंड टोटल 15 पॉइंट के साथ गुजरात जायंट्स की टीम 11वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 10वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 10वें स्थान पे है पुनेडी पल्टन की टीम। जहां दोस्तों पुनेडी पल्टन की टीम ने कुल यहां पे 8 मैचेस खेले, अपने 8 मैचेस में से 3 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, एंड टोटल 16 पॉइंट के साथ पुनेडी पल्टन की टीम अब भी 10वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 9वें स्थान पे है बंगाल वॉरियर्स की टीम। जहां दोस्तों बंगाल वॉरियर्स की टीम ने कुल यहां पे 8 मैचेस खेले, अपने 8 मैचेस में से 3 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, एंड टोटल 17 पॉइंट के साथ बंगाल वॉरियर्स की टीम अब भी 9वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 8वें स्थान पे है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। जहां दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने कुल यहां पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैचेस में से 3 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, एंड टोटल 18 पॉइंट के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम अब भी 8वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 7वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 7वें स्थान पे है हरियाणा स्टीलर्स की टीम। जहां दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने कुल यहां पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैच में से 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 1 मैच टाई रहा है, एंड टोटल 20 पॉइंट के साथ हरियाणा स्टीलर्स की टीम अब भी 7वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 6वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 6वें स्थान पे है यूपी योद्धा की टीम। जहां दोस्तों यूपी योद्धा की टीम ने कुल यहां पे 8 मैचेस खेले, अपने 8 मैचेस में से 2 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है, एंड टोटल 20 पॉइंट के साथ यूपी योद्धा की टीम अभी 6वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 5वें स्थान पे है तमिल थलाइवास की टीम। जहां दोस्तों तमिल थलाइवास की टीम ने कुल यहां पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैचेस में से 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, 4 मैचेस टाई है, एंड टोटल 22 पॉइंट के साथ तमिल थलाइवास की टीम अब भी 5वें स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 4थे स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 4थे स्थान पे है यू मुंबा की टीम। जहां दोस्तों यू मुंबा की टीम ने कुल यहां पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैचेस में से 3 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, 3 मैचेस टाई है, एंड टोटल 25 पॉइंट के साथ यू मुंबा की टीम अभी 4थे स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं 3रे स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे 3रे स्थान पे है बेंगलुरु बुल्स की टीम। जहां दोस्तों बेंगलुरु बुल्स की टीम ने कुल यहां पे 8 मैचेस खेले, अपने 8 मैचेस में से 5 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, 1 मैच टाई है, एंड टोटल 28 पॉइंट के साथ बेंगलुरु बुल्स की टीम अब भी पॉन्स्टेबल पे 3रे स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे दूसरे स्थान पे है पटना पायरेट्स की टीम। जहां दोस्तों पटना पायरेट्स की टीम ने कुल यहां पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैचेस में से 5 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, 1 मैच टाई है, एंड टोटल 29 पॉइंट के साथ पटना पायरेट्स की टीम अब भी दूसरे स्थान पे है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले स्थान की। तो गाइस अभी पॉन्स्टेबल पे पहले स्थान पे है दबंग दिल्ली की टीम। जहां दोस्तों दबंग दिल्ली की टीम ने कुल यहां पे 7 मैचेस खेले, अपने 7 मैचेस में से 5 मैच जीती है, 2 मैच टाई है, एंड टोटल 31 पॉइंट के साथ दबंग दिल्ली की टीम अभी पॉन्स्टेबल पे सबसे टॉप पे। तो गाइस अभी टोटल 44 मैचेस कंप्लीट होने के बाद प्रो कबड्डी सीजन 8 के नए पॉन्स्टेबल में आपकी फेवरेट टीम कौन से पोजीशन पे, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड कल के दिन भी टोटल 2 मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मैच है वहां पे तमिल थलाइवास वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा, एंड वहीं पर जो दूसरा मैच है वो यहां पे जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। ये दोनों मैचेस कौन सी टीम जीत सकते हैं, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हो, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस शो को ही पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।